नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यदि एस्ट्रो तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए नए विषयों की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, नौकरी को प्राप्त करने के लिए हम बहुत अधिक प्रयास करते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, लेकिन नौकरी मिल जाती है तब भी यदि हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो दूसरी नौकरी को प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यदि नौकरी नहीं लग रही है, अब लगेगी, तब लगेगी, इस तरह की बातें हमारे मन में आती हैं। व्यापार कर रहे हैं आप, व्यापार नहीं चलता है, अब चलेगा। हम आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ खास चीजें, इन चीजों को करने से बहुत जल्दी लाभ होगा। कुछ खास उपाय जो कि राशि के अनुसार हैं, इन उपायों को यदि आप करेंगे तो आपको नौकरी भी मिलेगी और आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। तो चलते हैं, राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि के लोग शिव सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करें, शनि मंदिर में दीपक जरूर जलाएं और अपने पिताजी का आशीर्वाद जरूर लें। आपको नौकरी जरूर प्राप्त होगी और साथ ही साथ अच्छा व्यापार कर सकेंगे आप। बात करेंगे वृष राशि के लोग पंच अमृत से शिव का अभिषेक करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, ओम प्रंग प्रिंग प्रौं से शनि नमः इस मंत्र का जाप करें, बुजुर्गों की सेवा करें, इस सेवा से आपको लाभ होगा, आपकी नौकरी प्राप्त होगी और व्यापार अच्छा कर सकेंगे आप। बात करेंगे मिथुन राशि की। गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करें, ओम हरांग हरिंग हरोंग से सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करें, सूर्य देवता का ये बीज मंत्र होता है, इस मंत्र का जाप करने से नौकरी जल्दी लगती है। काले तिल का दान करें और पिताजी को उपहार के रूप में कुछ ना कुछ वस्त्र जरूर दें, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा, आपको नौकरी जल्दी प्राप्त होगी। और अब बात करेंगे कर्क राशि। दही से शिवलिंग का अभिषेक करें, सूर्य देव को अर्घ जरूर देते रहें और साथ ही साथ शनि चालीसा का पाठ करें, व्यापार वृद्धि यंत्र की पूजा करें, इससे व्यापार बढ़ेगा और जल्दी ही अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे आप। बात करेंगे सिंह राशि। तो सुगंधित तेल या इत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, हनुमानाष्टक पाठ जरूर करें, ओम शन्यो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीताय शन्यो रविष्टवंतुना इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र का जाप करने से बहुत जल्दी अच्छी नौकरी, खास तौर पे सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे आप। कार्य सिद्धि यंत्र की पूजा करें, इस यंत्र की पूजा से लाभ जरूर होगा। बात करेंगे कन्या राशि। हल्दी युक्त दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, गेहूं का दान करें, चंदन की लकड़ी के साथ में गेहूं का दान करने से लाभ जरूर होगा, ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें आप। किसी की आत्मा ना दुखाएं, आपको जल्दी ही अच्छी नौकरी मिलेगी और व्यापार अच्छा कर सकेंगे आप। बात करेंगे तुला राशि। गुड़ के जल से शिव का अभिषेक जरूर करें, चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं और प्रभु की आराधना करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, बगलामुखी यंत्र अपने पर्स में जरूर रखें, इससे जल्दी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे आप। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। ओम हम हनुमताय रुद्रात्मकाय हुम फुट स्वाहा इस मंत्र का जाप करें, साथ ही साथ ओम क्राम क्रीम क्रोम से भवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, बहुत जल्दी अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे आप। गुड़ का दान अवश्य करा करें और अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें। बात करेंगे धनु राशि की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, ओम शन्यो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीताय शन्यो रविष्टवंतुना इस मंत्र का जाप करें, व्यापार में वृद्धि होगी और जल्दी ही अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे आप। व्यापार वृद्धि यंत्र की पूजा जरूर करें आप, साथ ही साथ शनि स्त्रोत का पाठ करें। बात करेंगे मकर राशि।
नारियल के पानी से शिव का अभिषेक करें। उड़द से बनी मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। नील कमल के फूलों से भगवान की पूजा आराधना करें और यदि हो सके तो शनिवार का व्रत रखें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, अच्छी नौकरी जरूर प्राप्त कर सकेंगे आप। बात करेंगे कुंभ राशि। ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म से राहुए नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने से लाभ जरूर होगा। कार्य सिद्धि यंत्र की पूजा करें, जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वो कार्य सफल होगा, अच्छी नौकरी लगेगी और अच्छा व्यापार चल सकेगा। तिल के तेल से अभिषेक करके उड़द से बनी हुई मिठाई का भोग जरूर लगाएं। अब बात करेंगे मीन राशि। ओम नीलक्षत्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। गेहूं का दान चंदन की लकड़ी के साथ में जरूर करें। हल्दी युक्त दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और सूर्यदेव को अर्घ दें। तो अर्घ कैसे देना है? तांबे के लोटे में जल भरकर चंदन का तिलक जल में लगा के सूर्यदेव को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करें, एक बहुत ही अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे आप और अच्छा व्यापार कर सकेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।